तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम जानने वाले हैं हम न्यूक पे की कैसे कर सकते हैं, वो भी एकदम हॉलीवुड लेवल का। आज गाइस हम ये नहीं जानेंगे कि हम सीरियल में कैसे की कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर पहले से वीडियो बना रखी जिसमें हमने की के बारे में जाना है, लेकिन वो थोड़ा सीरियल लेवल का की था। लेकिन आज हम जानेंगे प्रोफेशनल वे में, बिल्कुल हॉलीवुड लेवल का की। एक एक बाल का डिटेल आएगा, एक एक चीज़ का डिटेल आएगा, बिल्कुल एजेस कट नहीं होंगी आपको, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल लेवल पर की आज इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप पहले देख पा रहे होंगे आउटपुट कैसा आ चुका है, क्योंकि मैंने इसका पहले से ही की कर रखा है। लेकिन मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक दोबारा से बताऊंगा पूरा का पूरा की का प्रोसेस कि हमने कैसे की करा था। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इस टाइप की वीडियो बहुत सारी आती रहती हैं जिससे आप काफ़ी अच्छे से VFX में आगे बढ़ पाएंगे। तो गाइस शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप पहले शॉट देख लीजिए। यहाँ पर बालों का डिटेल है, इसके लेफ्ट साइड में बालों का डिटेल है और राइट में भी है, लेकिन राइट में थोड़ा सा गाल भी आ रहा है। लेकिन हम उन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे कि गाल पे मतलब जैसे एजेस पे कैसे रोटो पर सॉरी की होता है, और हम इसके हैंड पे कैसे की करें और इसके बालों की तरफ कैसे की करें। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो हम इसका साइज़ सेट कर लेंगे। तो जिसका साइज़ हमारे पास इसका अल्ट्रा HD 4K है, तो हम यहाँ पर अल्ट्रा HD 4K डाल देते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, साइज इसका अलग है। ये बैकग्राउंड है जो हम इसके बैकग्राउंड में लगाएंगे, ठीक है। इसको लड़की को निकाल के इसके ऊपर लगाएंगे, तो साइज हम यहाँ पर इसके नीचे रीफॉर्मेट लगा देंगे। दोनों का साइज सेम बन चुका है, जो हमारे ओरिजिनल का था अब वही इसका बैकग्राउंड का साइज बन चुका है रीफॉर्मेट लगा दी, ठीक है। अब भाई यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लड़की जो है ना वो लेफ्ट में, और लेफ्ट में यहाँ पर सोफे हैं। तो अब गाइस हम क्या करें कि हम एक काम करते हैं, सोफे को थोड़ा इधर कर देते हैं और जो खाली एरिया जो है राइट की साइड वो इधर ले आएंगे। तो कैसे करेंगे, रीफॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से इसे फ्लिप कर देंगे, सॉरी फ्लिप करेंगे, हाँ फ्लिप कर देंगे इसे। जैसे आप फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, ये फोटो थोड़ा उधर से मतलब थोड़ा पलट जाएगा एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अब ये पलट चुका है, अब लड़की हमारी इधर साइड आ जाएगी लेफ्ट में। तो गाइस आप कोई भी बैकग्राउंड ले तो उसको हिसाब से आप कर सकते हैं, नहीं तो जो ओरिजिनल में मांग होती वैसे ही रखें, ठीक है। अब मैंने देखो गाइस यहाँ पर कलर का भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल फुटेज है और जो हमारा बैकग्राउंड है, इन दोनों में कलर काफ़ी डिफरेंट है। मेरा जो ओरिजिनल कलर था वो काफ़ी ज़्यादा लाइट था, इसलिए मैंने ग्रेड लगा के थोड़ा सा गेन और मल्टीप्लाई थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है, ताकि दोनों के कलर थोड़े सेम हो जाए और ऐसा ही लगे कि हाँ लड़की इसी रूम में खड़ी है। आप चाहें तो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने हिसाब से कलर का रेट लेके, लेकिन हमने यहाँ पर ग्रेड लगा कर दिया। अब गाइस थोड़ा सा डी फोकस भी डाल देते हैं, ये गलती से डी नॉइस आ गया, एक बार डी फोकस ले लेते हैं। डी फोकस वो क्या करता है, पीछे का बैकग्राउंड जो होता है ना, मतलब बैकग्राउंड नहीं आप किसी भी फुटेज पे लगाएंगे तो उसको डी फोकस में लगाया जाता है। अब ये लगाते साथ ही इसकी वैल्यू चढ़ जाती है, ठीक है। आप चाहे तो वैल्यू थोड़ा और छेड़ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर छेड़ दिया। थोड़ा सा स्केलिंग भी बड़ा कर लेंगे यहाँ से, स्केलिंग से क्या होता है मतलब थोड़े पिक्सल और से बड़े हो जाते हैं। तो वैसे अब हमने यहाँ पर प्लेट थोड़ी अपनी बना ली, मतलब बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा अपना बना लिया है जो अच्छे से मैच हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंट आ चुका है, हमने ग्रेड डी फोकस और थोड़ा सा इसका मतलब रीफॉर्मेट से फ्लिप भी कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फुटेज पे, मेन वाली पे। अब हम इस पर की करने वाले हैं, ठीक है। तो हम की आप देखते रहना पूरी वीडियो को, और मेरा माउस पर भी ध्यान रखना और जो मैं बता रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखना। अब देखो गाइस सबसे पहले हम इसका नॉइस हटा लेंगे ताकि हमारा की अच्छा हो, तो मैंने डी नॉइस का नोड ले लिया है। अब इसमें तीन चीज़ आ रही हैं, तो नॉइस वॉइस आ रहा है, तो हम सिर्फ सोर्स कनेक्ट करेंगे अपने फुटेज पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बॉक्स आ रहा है, अब इस बॉक्स को आप उस एरिया में रख दीजिए जहाँ आपका ज़्यादा नॉइस हो, नहीं तो आप कहीं पर भी रखेंगे तब भी नॉइस हट जाएगा, लेकिन उस एरिया में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रख दिया, अब मैं 1:1:2 करके देखूंगा कि कुछ डिफरेंट हुआ नहीं हुआ, तो बहुत कम वैल्यू पर डिफरेंट हुआ है, लेकिन हुआ है डिफरेंट, क्योंकि इस शॉट में इतना नॉइस नहीं है। अगर आपके शॉट में नॉइस होगा तो आपके में और ज़्यादा अच्छा से दिखना मिलेगा। तो गाइस मिलेंगे, तब भी मैंने इसे और ज़्यादा स्मूथ कर दिया और ज़्यादा इसकी नॉइस हटा दिया। अगर आप किसी और चैनल में जाते हैं, जैसे रेड में जाएंगे, ग्रीन में जाएंगे, ब्लू में जाएंगे, तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा काफ़ी अच्छे से डिफरेंट। उसका शॉर्टकट देखो RGB रहता है, आप अपने कीबोर्ड में R दबाएंगे ना तो आप रेड में पहुँच जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी देखो सब शॉर्टकट की लिखे हुए हैं, अगर आपको अल्फा में जाना है तो आप A दबा के भी जा सकते हैं, तो आप इस हिसाब से जा पाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर चेक कर लिया सब कुछ कि हमारी यहाँ नॉइस हट चुकी है। अब देखो गाइस यहाँ तक नॉइस हट चुकी है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो नोड आ रहे हैं IBK के, एक गिजमो आ रहा है, एक कलर आ रहा है, ठीक है। आपको सर्च करना है टैप दबा के IBK कलर, पहले हम कलर लेंगे, गिजमो को भी यूज़ करेंगे लेकिन पहले कलर लेंगे। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर ब्लू करा, तो ये ब्लू आउटपुट ले रहा है, यहाँ से हम इसे ग्रीन कर देंगे। अब इसने पूरा ग्रीन हमें शो कर दिया है, वो करेक्टर अभी निकाल दिया है, लेकिन हमें अब क्या करना है, यहाँ पर आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइड में काफ़ी सारी एजेस मतलब हेयर्स दिख रहे हैं, हम इसको क्या कर देंगे, पूरा पूरा ढक देंगे ब्लैक एरिया से। कैसे करेंगे, यहाँ से देखो उसकी RGB की वैल्यू छेड़ेंगे, ऊपर वाले में भी छेड़ेंगे और नीचे वाले में, दोनों में आपको RGB वैल्यू छेड़नी है, और जितना हो सके उसको उतना ब्लैक में मतलब ढक लीजिए इस पूरे ब्लैक में, ठीक है। आपको व्यू करके इस पर,
और यहाँ पर आप जितना हो सके ब्लैक से ढक लीजिए। अब इतना हमने कर लिया, जैसे मैंने देखो या लास्ट मेरा इतना ही था। और ध्यान रखिए कि सिर्फ करेक्टर पे इफेक्ट करे, किसी और चीज़ पे नहीं करे, ठीक है। अगर इसे क्रोमा पे करेगा तो गलत हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से देखो पैच एरिया बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसे 10 कर दूंगा। लास्ट से लास्ट 10 कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे ऊपर जाना तो आप 15 पर चले जाइए, लेकिन 15 से ऊपर मत जाइए, ठीक है। आपको 15 से ऊपर वैल्यू पर नहीं जाना होगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे पूरा हमें क्लीन प्लेट बनाना है, पूरा ग्रीन करना है, तो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया। लेकिन इससे क्या होगा, नोट थोड़े हैवी हो जाएगा, कॉम थोड़ी हैवी हो जाएगा, तो इसलिए हम 15 पे चला गया वैल्यू पे। 15 से ऊपर हम नहीं जाएंगे। अगर आप भी कोई शॉर्ट करें तो आप 15 से ऊपर नहीं जाइए, फिर आप नोट को कॉपी कर लीजिए, उसके नीचे लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी क्लीन प्लेट बन चुकी है, पूरा ग्रीन एकदम आ चुका है, करेक्टर हमारा हट चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा सर्च करेंगे टैब दबा के आईवी के, और अब क्या गिज्मो लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने गिज्मो ले लिया। अभी देखो इसमें तीन चीज़ निकल कर आ रही है, एफ जी, बी जी और सी। सी तो हमारा जाएगा कलर में, और बी जी हमारा खाली पड़ा रहेगा, और एफ जी जाएगा हमारे डी नॉइस में, मतलब हमारे फुटेज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस टैब से आपको कनेक्ट कर देना है, आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अब देखो फिर से इसने ब्लू ले लिया, मतलब ब्लू एरिया का सेलेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे और ग्रीन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो की होगा आ चुका है। अभी हम क्या करते हैं, एक मर्ज का नोड लेते हैं और इसे बैकग्राउंड मतलब अपने फुटेज से कनेक्ट कर देंगे, जो हमारा बैकग्राउंड जो है। अब देखो ए तो हमारी लड़की होगी, मतलब जो हमारा ए जाएगा ना वो हमारी लड़की में जाएगा, क्योंकि वो फोरग्राउंड है, और बी जाएगा हमारे बैकग्राउंड में, क्योंकि वो बैकग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, देखो कितने अच्छे से की हो चुका है। अब ये सब पे की हो चुका है, सारे फ्रेम्स पे हो चुका है, कहीं जिटर नहीं होगा। अगर आप भी कोई शॉट होगा, आपके पास हैवी से हैवी शॉट होगा, इसमें काफ़ी सारे हेयर सिल होंगे, तब भी एकदम परफेक्ट यहाँ पे की निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि हमारा अंदर का पार्ट भी, जो हमारे लड़की के ऊपर ग्रीन था, वो भी अभी शो हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, और थोड़ी थोड़ी एजेस का भी प्रॉब्लम होगा। तो क्या उन सबको हम ठीक कैसे करें, क्योंकि ये तो हमने अभी जान लिया सीरियल लेवल का। अब हम जानेंगे हॉलीवुड लेवल लगा के की, आप यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन हम हॉलीवुड का जानेंगे पूरे प्रोफेशनल लेवल पर, आपको बता देता हूँ मैं एक बार। अब देखो मैंने यहाँ पे की लाइट लिया है, की लाइट काफ़ी इजी होता है चलाना। इस वजह से आपको क्या करना होगा, यहाँ से कलर पिकअप करना होगा। एक बार हम चले जाते हैं, व्यू कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आपको कलर पिकअप करना है। अब आप कंट्रोल प्रेस करिए और यहाँ पे कहीं क्रोमा पे क्लिक कर दीजिए, और आपको ऐसे एरिया में क्लिक करना होगा जहाँ आपको जितना हो सके उतना ब्लैक आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप दोबारा कंट्रोल जेड मारिए, आप 10-12 बार ट्राई करिए, और जहाँ आपको सबसे अच्छा ब्लैक मिल रहा हो बैकग्राउंड में, वहाँ पर आपको छोड़ देना है, ठीक है। आप कंट्रोल जेड मारिए, फिर से सेलेक्ट करिए, फिर से मतलब आप कहीं ना कहीं से चुन के लेकर आना होगा जहाँ से आपको प्रॉपर एकदम पूरा प्रॉपर नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना ब्लैक मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बार बार यही कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, और वाइट एरिया में मार के देख रहा हूँ ग्रीन, क्योंकि ग्रीन में भी पूरा 100% ग्रीन नहीं है, कहीं थोड़ा सा 99% है, कहीं देखो 80% है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसलिए आपको जहाँ से अच्छा आउटपुट मिल रहा हो वहाँ से आप कर सकते हैं। अब हमने अल्फा में देखा, तो देखिए अल्फा में कैसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे मार के देख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो पूरा वाइट भी दिख रहा है बैकग्राउंड में, तो वहीं मेरा ठीक था, तो वहीं मार लेता हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे इतने एरिया में तो ब्लैक मिला, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इतने एरिया मिल चुका है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आ रही है स्क्रीन मेट, यहाँ से हम इसका ब्लैक का वैल्यू बढ़ा देंगे, इससे क्या होगा हमारा ब्लैक आ जाएगा काफ़ी एरिया में। और आपको इतना ध्यान रखना, पूरा ब्लैक मत करिए, मतलब आपको पूरा ब्लैक की वैल्यू नहीं बढ़ानी है, आप जितना हो सके उतना, मतलब अधिकतम ही बढ़ाइए, थोड़ा सा ज़्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि इससे क्या होता है एजेस कट जाएंगे, आप ज़्यादा ब्लैक बढ़ा देंगे तो एजेस कट जाएंगे। बाकी आप स्क्रीन वेट की वैल्यू छेड़ सकते हैं, और चाहें तो आप थोड़ा सा स्मूथनेस की वैल्यू छेड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत छेड़ना इन सबको, आप बस ध्यान रखना मेन चीज़ आपका बस ब्लैक पर ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कॉपी का नोट ले लिया है। अब कॉपी का नोट क्यों ले लिया है, अभी आपको देखना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, अभी देखो मैंने की लाइट गलत जगह जोड़ रखा था, मैंने फुटेज पर जोड़ रखा था, इसलिए हो सकता है थोड़ा आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा हो, क्योंकि डी नॉइस पर हमने काफ़ी सारी नॉइस हटा दी, तो यहाँ पे डी नॉइस पर ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। तो आपको सोर्स कनेक्ट कर देना है अपने डी नॉइस पर, ठीक है। और यहाँ से कॉपी का नोड लेना है, आपने देख ही लिया, हमने बी और एक यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्री मल्ट ले लेंगे, और प्री मल्ट हम इसके नीचे लगा देंगे, तो ये कहाँ आ चुका है, इसके नीचे लगा देंगे, ठीक है। अभी हमने इतना कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कौन किस तरीके से बनना है। अब हम इसके बाद करेंगे मर्ज का नोड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक मर्ज का नोड लिया, अब देखो इसमें ए भी आता है, ये तो आपको पता ही होगा पहले से ही। अब आपको क्या करना है, बी कनेक्ट कर देना है अपने ऊपर वाले मर्ज में, और ए कनेक्ट कर देंगे इस प्री मल्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इतना कर चुके हैं, यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का आउटपुट आ रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम समस्या आ चुकी है, जिस समस्या आएगी आपके साथ भी आएगी, लेकिन ये एक स्टेप है, आपको हॉलीवुड लेवल अप ही करना है तो आपको एक स्टेप फॉलो करना ही होगा, आपको प्रॉब्लम फिर से लानी होगी, लेकिन इससे डिटेल अच्छी आ जाएगी, अभी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कॉम सही कर लेते, थोड़ा घिचपिच हो गया, तो आप भी जितना अच्छा हो सके उतना कॉम अच्छा बनाइए, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब मैंने देखो फिर से एक की लाइट लिया है, अब की बार हम लेंगे जो की लाइट, उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर होने वाली हैं। अब देखो की लाइट में हमें क्या करना है,
सिंपल वही करना है, कलर पिकअप करना है और कंट्रोल दबा के हमें क्रोमा पे सिलेक्ट कर देना है और जितना हो सके उतना ब्लैक हमें मिल चुका है। अभी चाहे तो आप वैल्यू छेड़िए नहीं छेड़िए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैंने की लाइट ले लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करें, की लाइट तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे एक मर्ज का नोड लिया है और यहाँ से हम इसका ऑपरेशन कर देंगे माइनस, ठीक है। आपको इसके ऑपरेशन में जाना है और माइनस आप कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे की लाइट लेने के बाद यहाँ पे देखो बी मैंने दे दिया है डी नॉइस में और ए दे दिया मैंने अपने की लाइट में, ठीक है। सब जा रहे हैं हमारे डी नॉइस, क्योंकि हमारा मेन रिफरेंस डी नॉइस ही है, क्योंकि वहाँ पे हमारा अच्छे से एकदम नॉइस हट चुका है। तो देखो कुछ इस टाइप का आउटपुट आएगा यहाँ पे, जब आप व्यू करेंगे यहाँ पे मर्ज पे तो कुछ इस टाइप का आउटपुट आने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्म थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा एक काम करते हैं थोड़ा सही कर लेंगे इसे। चलो पहले एक बार एक हमें नोट और लेना है यहाँ से सेचुरेशन का, उसका आप यहाँ पर सर्च करिए ऐसे दबा के, फिर आपका सेचुरेशन का नोड आ जाएगा, नहीं तो आप एस भी दबाएंगे शायद नीचे की तरफ ही आ जाता है शुरू में। यहाँ पे देखिए मैंने एस दबाया और ये आ चुका है सेचुरेशन का नोड, इसे एक बार लगा लेंगे नीचे की तरफ और इसका वैल्यू जीरो कर देंगे, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो हम जीरो कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम सही और कर लेते हैं एक बार जल्दी से, ये थोड़ा सा बस, क्योंकि देखो गाइस कॉम अच्छा हो जाए तो आप लोगों को समझने में आसानी आएगी। अगर मैं पूरा एकदम बिखेर दूँगा मैं तो कर दूंगा एकदम फटाफट, और ये की मैं बहुत समय बात कर रहा हूँ, की और रोटो तो बहुत मतलब अभी आजकल बहुत कम ही करता हूँ मैं। थोड़ा सा सैचुरेशन को हम यहाँ से जीरो कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और मर्ज लेना होगा। मर्ज आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, मर्ज को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करिए, ठीक है। यहाँ से मैंने मर्ज ले लिया, अब ये ओवर है, ठीक है। यहाँ से मर्ज इसका ऑपरेशन छेड़ देंगे और यहाँ से हम कर देंगे प्लस, ठीक है। अब वैल्यू हमने प्लस कर दी, पहले माइनस करी थी, अब क्या वैल्यू प्लस कर दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ का और नोट लेना होगा हमें थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आपने जो कॉपी का नोट जो था आपका, ठीक है, उस कॉपी के नोट में यहाँ से आप चाहें तो मर्ज को पलट पलट के देखिए कहाँ पे ज़्यादा अच्छा आउटपुट आ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू। शिफ्ट एक्स दबाएंगे तो वहाँ से आप इसके जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड रहता है वो आप पलट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉपी का नोट जो है, इसे हमें क्या करना है, अब तक हमारा इस पर डी नॉइस पे व्यू था कॉपी से, अभी हम कर देंगे सीधा इस पर हम मर्ज पे, तो यहाँ पे ये कॉपी तक हमारा आउटपुट यहाँ तक जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इस पर व्यू कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे व्यू करेंगे तो हमारा जो ग्रीन का प्रॉब्लम था वो गायब हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा हमारा की हो चुका है, लेकिन इसने पूरे में अफेक्ट करा है। इसको अब ठीक कैसे करेंगे, तो हमें एक रोटो लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप अभी देख पाएंगे तो अगर हेयर में हम जूम करके देखेंगे तो वहाँ पर अब भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक रहेगा, देखो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर अब भी हल्का हल्का थोड़ा सा कलर का डिफरेंट है। अब इसे कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए हमारा इरोड फिल्टर नाक का एक नोड रहता है, इरोड फिल्टर। इरोड तीन तरीके के होते हैं, एक फास्ट रहता है और एक ब्लर रहता है, एक रहता है इरोड फिल्टर, ठीक है। तो आपको तीसरा वाला फिल्टर चुनना है, इरोड फिल्टर, मैं आपको वही करके दिखा देता हूँ एक बार। तो आपको हमें क्या करना होगा, ये कॉपी के नोड और जो अपना प्रीमोल्ड का नोड है इसे नीचे कर लीजिए और ये की लाइट के नीचे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो तीन नो ई फिल्टर आ रहे हैं, यहाँ से हम तीसरा वाला लेंगे इरोड फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसी का एक कॉपी मारेंगे, एक और लेंगे, क्योंकि एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, मतलब हेयर और बॉडी के लिए अलग अलग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बीच में एज ब्लर भी लगाए थे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इरोड की मैं वैल्यू कैसे छेड़ रहा हूँ, यहाँ पे एक एज ब्लर लगाया था ताकि एज थोड़ी अच्छी हो जाए। अभी ये नीचे के पार्ट पर इफेक्ट कर रहा होगा, जो हमारा बॉडी का पार्ट मतलब कभी पूरे में ही कर रहा होगा, लेकिन हम हेयर के लिए अलग करेंगे। जो हमने दूसरा इरोड लिया उसके लिए हेयर के लिए लिया, ठीक है। अभी ये पूरा बॉडी पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एजेस एकदम अच्छे से आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, याले इरोड में जाएंगे और यहाँ से हम एक रोटो कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले भी रोटो आपको करके मतलब कर ही रखा है मैंने, अधिकतम अपने वीडियो में आपने देखा ही होगा रोटो हम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने एक रोटो का नोट ले लिया ओ दबा के, इसका शॉर्टकट रहता है रोटो के नोट को। और अब क्या हम रोटो जो करेंगे ना वो हेयर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बॉडी जो हमारी ठीक हो चुकी है लेकिन हेयर और ठीक हो जाए। तो ये सिर्फ जो हमारा नोट जो लगा है वो सिर्फ हेयर पे इफेक्ट करे और कहीं नहीं करे। अब देखो मैंने गाल कैसे बचाया है इसका, मैं नहीं चाहता इसकी गाल की एजेस खराब हो जाए, ठीक है। सिर्फ मैं हेयर पे ले रहा हूँ क्योंकि, और हम थोड़ा सा देखो एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, जब भी आप पॉली बनाएं और आप इस टाइप से की करें तो उसमें फेदर जरूर दे लीजिए, क्योंकि नीचे के एजेस थोड़ी सी अलग होंगी तो मतलब एक दो पिक्सल का डिफरेंट होगा, तो आप फेदर दे लेंगे तो क्या होगा, इससे आपका फेदर मतलब उन चीज़ों को ब्लेंड करा देगा, इसलिए आप फेदर जरूर दे लीजिए। तो देखो इसका तो मैंने रोटो पहले से कर रखा है तो इसका एनिमेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से एक बार रोटो कॉपी कर लेते हैं। अगर आपके पास रोटो नहीं है तो आप जरूर एनिमेट कर लीजिए हेयर की तरफ, ठीक है। और रफली एनिमेट करना है, कोई ऐसा नहीं कि आपको पीस साइज एकदम अच्छे से रोटो करना है,
आप रफली भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो सिर्फ हेयर्स पे इफेक्ट कर रहा है और कहीं नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा नीचे वाला फिल्टर जो था वो सिर्फ हेयर पे इफेक्ट कर रहा है। अब इसकी वैल्यू आप 25-30 तक डाल के देखिए, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके देखिए, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ आप छोड़ दीजिए। और आपको जब बंटू करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिफरेंट देखने को मिलेगा कि हाँ प्रॉपर की हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अब मैंने क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट। हम इसके जो हमने पहले से शॉर्ट कर रखा था उसका वैल्यू मेरे को छेड़ने की जरूरत नहीं, तो मैं यही लगा देता हूँ बीच में ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब जब मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ तो गाइस मेरा अधिकतम आउटपुट आ चुका है, जो ग्रीन जो था हमारे बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्शन था वो भी हट चुका है। लेकिन इसमें अब भी एक चीज़ की प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ की प्रॉब्लम होगी, कि हमारा जो नॉइज़ जो हमने हटाई थी वो नॉइज़ अभी मतलब गायब हो चुकी है करेक्टर के ऊपर से। और हम जब नॉइस पर खेलेंगे ना अभी, तो मैं बैकग्राउंड की नॉइस पर अलग खेलूंगा और फोरग्राउंड की नॉइस पर अलग खेलूंगा, मतलब करेक्टर के नॉइस पर अलग खेलेंगे और बैकग्राउंड के अलग पर खेलेंगे। अब ये जो मैंने बैकग्राउंड जो लगाया वो सिर्फ सिंगल इमेज है, तो उसमें सिंगल इमेज है तो मतलब इस पर नॉइस रुकी हुई होगी, लेकिन हम बैकग्राउंड में नॉइस डाल देंगे। लेकिन इसका जो एफ्रीग्रेन, आप सोच लोगे जब भी बैकग्राउंड नॉइस डालते हैं तो आप सोच लोगे एफ्रीग्रेन, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो एफ्रीग्रेन से काफ़ी अच्छी होगी, वो भी आप देख लेना। अब मैं देखो यहाँ पे एक चीज़ और कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मर्ज का नोड लिया है और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है स्टेंसिल हमने कर दिया है यहाँ पे, और जो हमारा रोटो कनेक्ट करा है। अब आप सोच रहे हो मैंने रोटो क्यों कनेक्ट करा है, देखो इसका ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारे क्रोमा में कहीं पर धब्बा है, कहीं से क्रोमा हमारा अच्छा नहीं निकल रहा, कहीं हमारा क्रोमा बहुत गंदा सा था, तो यहाँ से आप एक रोटो कर सकते हैं। और रोटो करके आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप इस स्टेंसिल के भी मतलब स्टेंसिल कर देना आपको उसका ऑपरेशन, और रोटो में आप जो भी पॉली बनाएंगे आप उस एरिया पॉली बनाइए जहाँ से आपका क्रोमा गंदा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो पार्ट आउट हो जाएगा। आप चाहें तो सब मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं स्टेंसिल करके आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मैं करके देखता हूँ कि थोड़ा क्रोमा जानबूझकर गंदा करके देखते हैं एक बार, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हो नहीं पाया क्योंकि क्रोमा काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास बेकार से भी बेकार क्रोमा है ना, तब भी आपका इसका परफेक्ट लेवल पे की निकल जाएगा आप ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो कैसे यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रोमा नहीं हो पा रहा क्योंकि क्रोमा मेरा पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ है, और डायरेक्ट हम उसी पार्ट पर जाते हैं। लेकिन आपको ये तो पता चल चुका है अगर आपका क्रोमा गंदा है तो आप यहाँ पे एक मर्ज का नोड ले लीजिए और उसमें स्टेंसिल कर दीजिए और आप रोटो बना दीजिए उस एरिया में, तो आपको ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। और कोई इसमें ज़्यादा बड़ी कलाकारी नहीं है, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब देखो गाइस नॉइस हट चुकी है हमारे, क्योंकि हमने डी नॉइस लगाया था, तो जाहिर सी बात है नॉइस तो हट चुकी है। अब हम नॉइस कैसे लेकर आए वापसी, तो काफ़ी सिंपल नोड है, आपको कोई एफ्रीग्रेन नहीं लेना है, सिर्फ एक मर्ज की जरूरत पड़ेगी और आप मर्ज से दोबारा से नॉइस ले आएंगे। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक मर्ज का नोड ले लेंगे, ठीक है। कहाँ पे लेना है आपको, डी नॉइस के सामने ले लेंगे। यहाँ पहले आप एक बार डिफरेंट देख लीजिए, पूरे एक एक बाल निकल कर आ चुके हैं और ये हर फ्रेम पर निकल गए, ऐसा नहीं सिर्फ हमारे एक फ्रेम पर निकल गए, पूरे हर फ्रेम पर निकल गए। आपके पास हैवी से हैवी शॉट होगा ना जिसमें बाल काफ़ी ज़्यादा हिल भी रहेंगे, तब भी आपका इस ट्रिक से एकदम परफेक्ट आ जाएगा आउटपुट। आप ट्राई करके देखिए, आपके पास कोई क्रोमा वाला शॉट हो तो आप ट्राई करके देखिए, लेकिन ध्यान रखना वो दूर का शॉट नहीं हो, ये क्लोज शॉट में अच्छे से काम करता है। अगर दूर में भी होगा तब भी काम करेगा, लेकिन इतने प्रोफेशनल लेवल पर नहीं करेगा। अगर आपके पास क्लोज शॉट है मतलब बॉडी तक है थोड़ा मतलब नीचे कमर तक, तो वहाँ तक ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अब नॉइस ले आते हैं, तो मैंने यहाँ पे मर्ज का नोट कनेक्ट करा और इसको कर देंगे फॉर्म। आप इसके ऑपरेशन में चले जाइए, वहाँ से फॉर्म कर दीजिए और गैस सब आप इससे कर देंगे। तो आप जब व्यू करेंगे इस पर तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नॉइस हमारी एकदम अलग ही दिख रही है। जब आप इसे पलट के देखेंगे मतलब शिफ्ट एक्स दबाएंगे, इसकी वैल्यू बैकग्राउंड में कुछ और डालेंगे फोरग्राउंड, आप पलट के देखिए इसकी जो उसके एरो जो आते हैं, तब आपको और डिफरेंट देखने को मिलेगा। जहाँ आपको अच्छा डिफरेंट देखने को मिले वहाँ पर आप छोड़ दीजिए, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा नॉइस देखने को मिले वहाँ पर आप इसे छोड़ दीजिए। अब ये थोड़ा 3D में चले गए, तो टैब दबा के आप दोबारा से नॉर्मल में आ सकते हैं। फिर से आ गया, गलती प्रेस हो रही है। अब देखिए मेरे को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक मर्ज का नोड लूँगा और इसको कर देंगे प्लस, ठीक है। उस पर हमने फॉर्म करा था, इस बार हमने उसको प्लस कर देंगे और यहाँ से इसे कनेक्ट कर देंगे उस मर्ज पे, तो हमारी नॉइस अब वापसी आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने गल जी का मर्ज लगा रखा है, ये मर्ज मैंने इन दोनों मर्ज के बीच में लगा रखा है, कायदे में ये नीचे लगेगा। तो गाइस ज़्यादा देखो अब भी देखो डिफरेंट नहीं आया क्योंकि मेरा मर्ज गल जी का लगा हुआ है, तो वहाँ पर मैं मर्ज को नीचे ले लेता हूँ। एक बार वीडियो ट्रिम कर देता है, यहाँ पर थोड़ा सा काट देते हैं। तो देखो मैंने मर्ज नीचे की तरफ ले लिया है, अरे अब ये वहीं पर लगा हुआ है। तो एक बार अब देखो गाइस इसे उठा के यहाँ से हटाते हैं, ऐसे शिफ्ट टेक्स दबा के और यहाँ से इसे लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका होगा और बिल्कुल वही नॉइस आएगी। आप बंटू करके ही प्रेस करेंगे ना तो बिल्कुल सेम टू सेम वही नॉइस आ जाएगी जो आपकी ओरिजिनल में थी। ये देखो ये एफ्रीग्रेन से कितना ज़्यादा अच्छा हुआ, एफ्रीग्रेन रहता है तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें एक तो हैवी नोट रहता है और दूसरा उसमें बिल्कुल सेम टू सेम नॉइस नहीं आती।
थोड़ा सा मतलब लेफ्ट राइट रहता है नॉइस अपना, लेकिन इसमें बिल्कुल सेम टू सेम वही नॉइस आ चुकी है जो हमारी थी ओरिजिनल में। ठीक है, तो कितना ज़्यादा इजी था। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आउटपुट भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। यहाँ पे एक अपने रीफॉर्मेट लगा देते हैं, रीफॉर्मेट से हमारा साइज जो भी मतलब बिगड़ा हुआ होगा वो सब ठीक हो जाएगा दोबारा से। और एक नीचे राइट कॉर्नर लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने राइट से रेंडर भी कर सकते हैं अपने, लेकिन एक चीज़ को मैं अभी भूल रहा हूँ आपको बताना कि मैंने ये नहीं बताया कि इसका बैकग्राउंड का नॉइज़। ठीक है, हमने ये तो जान लिया, मैंने आपको बोला था शुरू में, मतलब शुरू में नहीं बीच में बोला था कि हम बैक करेक्टर पर अलग खेलेंगे नॉइज पर और बैकग्राउंड पर अलग खेलेंगे। अब भी कोई ई अपना एफ्री ग्रेन यूज़ नहीं होगा। अब देखो गाइस क्या यूज़ होगा, इनबर्ड का नोट। तो कितने मैं आपको सिंपल नोट बता रहा हूँ जिससे आप काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों पर खेल पाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, एक मल्टीप्लाई लेना होगा और मल्टीप्लाई को हमें कनेक्ट कर देना होगा। अभी देखो पहले इसका मास कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ बीच में मैंने इसे कनेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं छेड़ रहा हूँ तो उसकी वैल्यू गलत हो रही है, ये तो कलर चेंज कर रहा है, नॉइस तो चेंज कर ही नहीं रहा। तो गाइस इसमें क्या गलत हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने अब भी इसे गलत जगह लगा रखा है। मैंने इसलिए गलत जगह लगा रखा है ताकि आपको पता चले, आप मेरी वीडियो भी ध्यान ही दें। देखो मैंने यहाँ पे क्यों गलत लगाया, क्योंकि इसलिए लगाया क्योंकि मेरा प्लस वाला जो मर्ज का नोट है जहाँ से मैं नॉइस लेकर आया हूँ वो तो मेरा नीचे की तरफ उसकी एरो आ रही है, ऊपर की तरफ थोड़ी आ रही है। तो इसको हम उठा के यहाँ से मल्टीप्लाई को हटा के नीचे की तरफ लगाएंगे जो हमारे जहाँ से हमारी नॉइस आ रही है। तो यहाँ पे देखो क्या करना होगा, हमें बस नीचे की तरफ लगा देते हैं, एक बार हटा देते हैं यहाँ से, ये मैंने हटाया और इससे नीचे वाली मल्टीप्लाई को नीचे वाले, क्योंकि यहीं से तो हमारी नॉइस आ रही है। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अब देखो मैं यहाँ लगा देखता हूँ एक बार पहले, अब यहाँ पे भी काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा सबसे ऊपर वाले में जाएगा जहाँ हमारा गिजमो लगा हुआ है वहाँ पे जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे भी कोई डिफरेंट नहीं पड़ रहा। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक बार व्यू करके फिर से देख लेता हूँ, कोई डिफरेंट नहीं पड़ रहा बैकग्राउंड पे। यहाँ लगा के देखेंगे तब भी कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसे गिजमो पर कनेक्ट करूँगा तो वहाँ पर एकदम बैकग्राउंड का नॉइज़, देखो ये देखो सिर्फ बैकग्राउंड का नॉइस चल रहा है। तो कितना ज़्यादा यूज़फुल था, एफ्री ग्रेन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये देखो करेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इनवर्ट लगा रखा है और जो गिजमो में हमारा कलर मतलब आउटपुट आ चुका था, तो इसलिए सिर्फ ये गिजमो में बैकग्राउंड पर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। अब यहाँ से आप रेंडर मार सकते हैं और आपका आउटपुट एकदम परफेक्ट लेवल का आ चुका होगा। और गाइस मैंने इसका पहले से रेंडर कर रखा है और यहाँ पर मैं इसको स्कैन भी ले आता हूँ और इसका जो हमने रेंडर कर रखा है वो भी ले आते हैं। लेकिन एक बार पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो पहले मैंने कॉम्प में अलग थोड़ा बहुत वैल्यू डिफरेंट पड़ा होता है, एक बार पहले हम इसी कॉम्प पे देख लेते हैं जो हमने अभी करा है कि कितना अच्छा की हुआ है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो कि भाई आप बोलें कि भाई एमओबी तू पहले से लेकर बैठा हुआ था और हो सकता है उसमें अच्छा की हुआ हो। तो देखो कोई सेम ही मैंने दोनों अभी करे हैं, बस मैंने एक बार पहले ट्राई करा था क्योंकि मैं बहुत दिन बाद की कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हम बहुत लोग ज़्यादा की करते थे लेकिन अभी मैं बहुत दिन बाद कर रहा हूँ। लेकिन अब भी देखो कितना अच्छा आउटपुट आया, अगर आप किस टाइप से कोई भी शॉट करते हैं तो आपका एकदम परफेक्ट आउटपुट आएगा। तो और हाँ गाइस, अगर आप इस टाइप से कोई की करते हैं और गाइस आप उसको दिखाना चाहते हैं कि कितना अच्छा आउटपुट आया, तो गाइस आप मुझे मेल करके भेज सकते हैं, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहाँ आप मुझसे बातें कर पाएंगे, हम हर तरीके की बातें करेंगे। आपके पास कोई डाउट है, आपको कुछ प्रॉब्लम है जो बीएफएक्स से रिलेटेड, तो गाइस आप मुझे उसमें टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। अगर आपको कोई शॉट भेजना जो आप मुझसे करवा के देखना चाहते हैं, उसका ट्यूटोरियल बनवाना चाहते हैं, तो गाइस आप मेरे मेल आईडी भेज सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों चीज़ों का, टेलीग्राम का भी और मेरी मेल आईडी का। तो गाइस आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, मेरी जीमेल आईडी पे ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ पे आउटपुट पर ध्यान दीजिए। देखिए एक एक बाल निकल कर आ चुका है, हम यहाँ पे 1-2 कर रहे हैं, देखिए एक एक बाल जिसकी ओबेसिटी 20% 10% 5% है वो भी बाल निकल कर यहाँ पे आ चुका है और बिल्कुल एकदम परफेक्ट लेवल पे, एकदम कोई ऐसा नहीं कि एजेस खराब हो रही हो, एकदम बिल्कुल मतलब एकदम जो ओरिजिनल है वही का वही आ चुका है। तो गाइस हॉलीवुड जो लेवल का आप शॉट देखते होंगे ना जिस पर आपको की देखने को मिलता होगा, तो गाइस वो इसी टाइप से की होता है। और क्योंकि हमने ये चीज़ें करी हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब गेम ऑफ थ्रोन में काम करा था तो गाइस इसी टाइप से की करके हमने काफ़ी सारी चीज़ें निकालते और जहाँ जो रोटो लगता था वहाँ हम रोटो कर दिया करते थे। तो गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो गाइस आप मुझे ज़रूर बताइए और गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो बनाते रहूँ, ताकि आप भी मोटिवेट होते रहें और आप भी उसमें काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ते रहें और गाइस मैं भी मोटिवेट होता हूँ और मैं भी काफी अच्छे से बीएफएक्स में आगे बढ़ता रहूँ। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो पर कमेंट करके अपनी दिल की बातें बता सकते हैं। और हाँ गाइस, आपको जानना है वो हमने प्राइमेट की कैसे करके, हमने सीरियल लाइन का जो की करा था वो हमने कैसे करा था, तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो देखनी है। तो बाय बाय, टेक केयर और गाइस जय हिंद।